गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जो है आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे कि बहुत किसी को पता है कि कल मेरा जो है एक फेक फ़ोटो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जो कि फेक है, रियल नहीं है। और बहुत कोई जो है उसको वायरल कर ही रहा है। जब आप लोगों को रियलिटी नहीं पता तो क्यों कर रहा है? किसी लड़की को डिफेम करके क्या मिलेगा? एक्चुअल में वो एक वीडियो शूट का था, जो कि बहुत पहले का था। और उसी वीडियो शूट के दौरान जो है मेरा जिनका था चैनल, उनसे जो है बकझक हो गया था। तो मैंने जो है वो वीडियो बनाना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो उसने जो है मुझे बहुत ज़्यादा धमकी उमकी दिया कि देखो तुम नहीं करोगी, तुम किसी और के चैनल में अगर करोगी तो तुमको करने नहीं देंगे, तुमको परेशान करके रख देंगे, तुमको डीफेम करके रख देंगे, तुम सोशल मीडिया से बनी है, तुमको सोशल मीडिया में बर्बाद कर देंगे, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा। और 2 महीने से बहुत ज़्यादा जो है मुझे मेंटली जो है ब्लैकमेल किया जाता था। और मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी थी। और ये चीज़ मैं जो है किसी को बोल भी नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं जो घर पर भी नहीं बोल पा रही थी, और उसी कारण जो है मेरा तबीयत भी खराब हुआ था। और मेरा वीडियोस भी रेगुलर नहीं आता है। आप लोग देखते होंगे फरवरी से ही मेरा वीडियो जो है रेगुलर नहीं आता है, क्योंकि मैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। क्योंकि मुझे पता है वो रियल नहीं है, लेकिन लोगों को नहीं ना पता कि वो रियल है कि फेक है। जैसे कि कल ही लोगों ने वो कहीं से पता नहीं किसने वायरल किया नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आराम से अपना वीडियो बना रही थी, मुझे 2 बजे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे देख के लगा कि अरे ये क्या है, तू फेक है, इसमें सबको क्या भेजा है। फिर लगा कि सबको बोला है कि ज्योति से जो है भाग के शादी कर ली। तो मैं इतनी बड़ी गलती क्यों करूँगी? अगर मुझे शादी ही करना रहेगा तो मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोलूँगी। वैसे नहीं, मैं अभी वैसा करने का सोच भी नहीं सकती। पर लोग जो है इतना गंदा गंदा, पता नहीं क्यों, जब नहीं पता तो इतना शेयर क्यों किए? आप लोग को एक चीज़ पता ही होगा कि कोई भी लड़की छोड़िए, कोई लड़का भी अगर थोड़ा सा प्रोग्रेस करने लगता है तो उसके पीछे जो है बहुत सारे हेटर्स आ जाते हैं। खास करके जो है उसके आसपास के लोग उसे जो है हमेशा डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी बहुत ज़्यादा अपना मेहनत करती हूँ, अपना लोगों को ये चीज नहीं देखा जाता कि लड़कियों के इतना अपना नाम कर रही है, पैसा अर्न कर रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। ये चीज जो है लोगों से नहीं देखा जा रहा था बहुत दिन से ही, आज से नहीं। पर मेरा ऐसा है कि हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहे हैं, ना कभी किसी को कुछ बोलने जाते हैं। जो अपना काम है मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ और अपना मेहनत करती हूँ। मेरे घर में दो दो सरकारी नौकरी है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ मैं खुद का नाम बनाऊं। और उसी को लोग जो है खराब करने पे तुले। जब नहीं पता रियलिटी तो क्यों? मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं और वीडियो बना पाऊँ। बस आप लोग, मैंने जो ये बात फैमिली को बता दिया, उनको जो एक्शन लेना था वो ले भी लिया। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बात जो है आप तक भी पहुँचे, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली के बाद आप ही लोग हैं। बाकी लोग तो सब हेटर्स ही हैं, मुझे पता है, सब गंदे गंदे ही बोलेंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, मेरे फैमिली को पता है कि मैंने गलत नहीं किया। मैं एक दोस्त के हिसाब से किसी की मदद कर रही थी और उसी का जो है गलत फायदा उठाया गया। मुझे ही बदनाम किया जा रहा है जबकि उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, झूठ है, फेक है। मत करो, प्लीज मत करो। आप लोग के घर में भी बहन होगी, मम्मी होगी, बेटी होगी, कोई भी होगी। अरे कोई कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है तो उसको करने दो, नहीं कुछ कर पाओगे तो कोई अभी समझ भी नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं वीडियोस बनाऊं या नहीं हो पा रहा है। पर ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो है बढ़ ही जा रहा है। तो बस इतना ही कहूंगी, ये फेक है, प्लीज इसको वायरल मत करो।
अगर किसी ने वीडियो डाला भी है इसे करके फोटो, तो प्लीज डिलीट कर दो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दे। मुझे नहीं पता मैं आगे सोशल मीडिया कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी, बस जितना दिन किए आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जो बाहर किए उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे डिफेम करने की कोशिश किया जा रहा है, वो मुझे धमकी भी दिया गया था कि तुमको बदनाम कर देंगे तुझे, फेक फोटो बना के पूरा वायरल किया जा रहा है। अरे किसी से बदला लेना है तो मुंह पे आके मार लो, कुछ गाली दे लो, ऐसे बदनाम मत करो। मेरे जगह कोई और लड़की रहती तो शायद सुसाइड कर लेती, शायद हम भी कर लेते अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी फैमिली को पता है कि हम कैसे हैं। 2 महीने से हम घुट घुट के अपने माइंड को एकदम बर्बाद कर लिए, हद से ज्यादा हो गया। तब मैंने जो अपने फैमिली को बता दिया और मेरे पेरेंट्स को पता कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, और उनको अच्छे से पता है मैंने जो है हमेशा दोस्ती निभाया है, बस खैर कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं मैंने कुछ गलत किया नहीं है, और मुझे अच्छे से पता है, और मुझे जो एक्शन लेना था वो मैंने ले लिया है, मेरे फैमिली ने भी ले लिया है। अब बाद बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास भी फोटो वीडियो है तो प्लीज डिलीट कर देना प्लीज। भाई बोलना बहुत कुछ चाहते हैं पर नहीं बोल पा रहे, हिम्मत ही नहीं हो रहा है, हम किसी से फेस तक नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के इंसान किस नजर से मुझे देख रहा है, टूट चुके हैं एकदम, कोई नहीं है मेरा, फैमिली को कितना हद तक बोले, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, क्या है नहीं है, सब फेक है, मुझे बदनाम करने का पहले से ही धमकी दिया जा रहा था, और वो चीज़ हुआ भी, और वो चीज़ जब बहुत लोग बढ़ावा भी दिए, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही मेरे से हेट था ही, क्योंकि मैं गर्ल होके इतना कुछ कर रही थी, अपने मेहनत पे कर रही थी, रात दिन मेहनत करते थे तब एक वीडियो बनता, ऐसे नहीं बनता वीडियो। दिन भर वीडियो बनाते थे, रात रात जाके एडिट करते थे, सुबह उठ के लिखते थे, डिस्क्रिप्शन लिखते थे, इतना आसान नहीं है।